गुड इवनिंग फ्रेंड्स, नमस्ते। सबसे पहले मैं आपको कुछ अपडेट्स देना चाहता हूँ। मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है कर्नाटका के मुख्यमंत्री येडियुरप्पा से। देखिए, सबसे पहले बहुत लोग त्रिपुरा से वापस जो कर्नाटका में है, बैंगलोर में है, उनको वापस आने का मन है। आपने, मैंने न्यूज़पेपर में सुना है, देखा है कि आप लोग ट्रेन, स्पेशल ट्रेन्स बैंगलोर से बाहर अलाउ नहीं कर रहे। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, ठीक है, बिल्डर लॉबी बहुत बड़ा है बैंगलोर में, उनको वर्कर्स चाहिए जो काम करे उनके लिए, लेकिन येडियुरप्पा जी, जो लोग अपने स्टेट वापस आना चाहते हैं, उनको आप उनके मन के, यू नो, विदाउट दे विल आप रोक नहीं सकते। तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि स्पेशल ट्रेन्स बैंगलोर से कोई भी जगह हो, नॉर्थ ईस्ट में हो, वेस्ट बंगाल में हो, उत्तर प्रदेश में हो, गुजरात में हो, आप ट्रेन को अलाउ कीजिए। आप किसी को उनके मर्जी के बिना कर्नाटका में नहीं रोक सकते। तो मैं आपसे हाथ जोड़कर विनम्रता से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जो हमारे लोग हैं जिनको बैंगलोर से वापस आना है, गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा ने शायद ट्रेन का आयोजन भी किया है, आप प्लीज अलाउ कीजिए। जिनको बैंगलोर में रहना है उनको रहने दीजिए, लेकिन जो बाहर आना चाहते हैं उनको आप उनके मर्जी के बिना नहीं रोक सकते हैं। तो आपको मैं विनती करता हूं कि स्पेशल ट्रेन्स बैंगलोर से बाहर जाने का जो आपने कल कैंसिल किया है, आपने एक ऑर्डर मेरे न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा है कि आपने, आप अलाउ नहीं करेंगे ट्रेन बैंगलोर से बाहर जाने के लिए, क्योंकि जो बिल्डिंग, बिल्डर का लॉबी है, जो कंस्ट्रक्शन का लॉबी है, उनको लगता है कि अगर सब वर्कर्स बाहर चले जाएंगे तो उनके लिए काम कौन करेगा। मैं आपसे सिर्फ विनती करता हूँ कि आप हिंदुस्तान में किसी के, किसी को अपने मर्जी के बिना अपने राज्य में लॉकअप नहीं कर सकते। सो दिस इज माई रिक्वेस्ट, आप प्लीज कुछ हमारे बारे सोचिए। अगर आप नहीं सोचेंगे तो हमें भी सोचना पड़ेगा, ये मेरा रिक्वेस्ट है। जो हमारे दूसरे लोग हैं जो स्टेट के बाहर है, जो हैदराबाद में है, जो चेन्नई, केरला, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, मुंबई, पुणे में है, एक एप्लीकेशन आया है, आप रजिस्टर कीजिए। जहाँ तक मुझे लगता है कि जो लोग मैंने मुख्यमंत्री जी से फिर से बात किया है त्रिपुरा के, हम लोग हाथ जोड़कर सब स्टेट को बोल रहे हैं कि अभी जैसे भी करके अपने लोगों को आयोजन करना चाहिए। जो मेघालय में है, हम लोग ने डीसी से, लोकल मजिस्ट्रेट से भी बात किया है, और जैसे मिजोरम से 33 लोग वापस आए, हमने हेल्प किया, वैसे ही मेघालय और गुवाहाटी से, जैसे ही बस अवेलेबल होता है, परमिशन मिल जाता है, मैंने कहा कि आप लोग भी थोड़ा रुपया कलेक्ट कीजिए, मैं खुद के पॉकेट से भी आपको रुपया देकर आपको जैसे भी कर त्रिपुरा लाने का पूरा कोशिश करूंगा। पेलाइनो हम्बाई, थैंक यू। जो मैंने आज कहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। येडियुरप्पा जी, आप किसी को अपने मर्जी के बिना अपने राज्य में बंद करके नहीं रख सकते हैं। जिसको रहना है बैंगलोर में रहने दीजिए, लेकिन जिसको बाहर आना है आप ट्रेन को अलाउ कीजिए। ये जो बिल्डर का लॉबी है उनके बारे इतना मत सोचिए, वरना बाद में आप ही के लिए ठीक नहीं होगा, ठीक है।